टांगे वाला मैं हूँ मर्द टांगे वाला, मेरा दुश्मन क्या मारेगा मेरा दोस्त ऊपर वाला। ओ डायरेक्टर साहब मैं आ गया डायरेक्टर साहब। ऐसे चुपचाप क्यों बैठे डायरेक्टर साहब? अरे यार मैं भी तंग आ गया हूँ, क्या करे 6 बजे से पंच डायलॉग बोल बोल कर मेरे कान पंचर हो गए। क्या हुआ मास्टर? क्या करूं मैं? सर मैंने फिल्म में एज ए मास्टर बहुत काम किया है लेकिन इसका टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। बिजली के खंबे को हाथ से तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो। अरे वो रहा भीख मंगा। ओ ये है, आप लोग बाइक चोरी कीजिए, मैं उसे बात करके आता हूँ। कम ऑन बॉयज कम ऑन, चलो मैं फाइट करूंगा ऐसा बोल के जिद पे अड़ा बैठा है वो। आप कह देते कि स्टोरी में ऐसा कैरेक्टर नहीं है। मैंने बोला था लेकिन मेरे लिए स्टोरी चेंज करो, मैं फिल्म का फाइनल शुरू कह रहा है। अब बोलो क्या करूं? थाईलैंड को हिलाने वाला खतरनाक विलन है बोल रहा है खुद को, तो उसे वहीं रहने दो। मैं बंगाल का विलन। कहानी बदल दी। मैं हांगकांग में रहूंगा तो कहानी बदल दोगे? आप देख लो बहुत अमीर और हैंडसम दिखते हैं सर। रुको, सुंदर तो मैं हूँ ही लेकिन अमीर आदमी बोलकर कमेंट मत करो, कमेंट करने से काम नहीं चलेगा। कम ऑन मेरे पेट में मारो, कम ऑन मारो मेरे पेट में मारो। अरे इतना स्लो मारने से नहीं चलेगा, कम ऑन जोर से मारो, जोर से मारो, कम ऑन। देखो चलिए टेक करते हैं, मस्त एक्टिंग करते हो। अरे इतनी जोर से मारने वाले हो, पहले बता देना चाहिए था। हाँ फेस ओवरलैप करो, लेफ्ट में आ जाओ आ गए, ओके। हाँ चलो अभी पेट में, हाँ ये ऐसे, ये इसको ऐसे पेट में मारने का। मास्टर ये लोग सच में मार रहे हैं मुझे। सर मास्टर क्या कर रहे हैं? अरे देखो ये मार रहे हैं मुझे। हेलो ये तो हमसे भी अच्छा एक्शन करता है यार। कैमरामैन अरे इधर आओ यार, ओके जल्दी से उसको शूट करो, चलो जल्दी। पलट। अच्छा चलो ठीक है। फाइट कोई भी करे टाइटल में मेरा नाम आना चाहिए, मुझे नीचे उतरो। ए भाई हीरो, तुम्हें सिर्फ एक पंच दिया था लेकिन तुमने अपने आदमियों को बुलाकर पूरी फाइट बर्बाद कर दी। अरे भाई मैंने कब आदमियों को बुलाया, मैं तो पेट दर्द से खुद ही तड़प रहा हूँ। देखो अगर तुम लोगों को प्यार से बात करनी तो मुझसे करो, और अगर तुम लोगों को पीटना है तो इसको पीटिए। झूठ बोल रहा है, मारो इसको। क्यों मार रहे हो, क्या किया है इसने? ये हमारे हीरो को मारता है। तुम्हारे हीरो को नहीं मारता है ये मेरा पीछा करता है। सही बताओ तुम्हारा हीरो कहाँ है? ओ ठीक है, सॉरी मास्टर गलती से मेरा पाँव लग गया तुम्हें। अरे कोई बात नहीं, आप नहीं मारा है ना। ए पहलवान ठीक से दबा रहे आना, तुझे जो लोग मार रहे थे ना वो वही है जो मेरा पीछा कर रहे थे, दिनों से परेशान कर रहे थे मुझे। पता है अगर तूने मुझसे शादी कर ली ना तो फिर वो तुझे नहीं मारेंगे। ये ले पैसे, जाकर मंगलसूत्र ले आ। ये ले पकड़, अगर मैंने शादी कर ली तो पता है मैं ये फिल्म पूरी नहीं कर पाऊंगा। एक तरफ उसकी परेशानी है, एक तरफ भिखमंगे की परेशानी है। चल अब तू निकल यहाँ से, मैं तुझे बाद में बताता हूँ, चल जा यहाँ से। भाई कहाँ गए?
ये क्या मास्टर भी नहीं आया अभी तक? मास्टर आए क्या? नहीं आए, उधर जाके देखो। अभी तक नहीं आए? तुमने देखा क्या? नहीं। तुमने देखा? नहीं देखा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मास्टर! अरे परी, शूटिंग के बाद भैया दिखाई नहीं दे रहे, तुमने देखा क्या? क्या हुआ? इधर तू भी पूछना। अरे तू पूछना। अरे अरे तू पूछ यार, तू पूछ, तू पूछ, तू पूछ। हमारे भैया कहाँ हैं? क्यों रे, तेरे भाई ने मुझसे शादी की है क्या? जो उसे पकड़ के मैं रात भर रखूंगी, जो मर्जी आए वो करूंगी। अगर तेरा भाई मुझे छोड़कर किसी और से शादी किया ना, तो टांगे तोड़ के प्लास्टर भी चढ़ाऊंगी और अपने पास रखूंगी। जा बता दे। देखिए, हमें वो सुबह से नहीं मिल रहा है। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर सब उसी को ढूंढ रहे हैं। हमने तो सारी जगह पर ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। किसी ने उसका दिल दुखाया है तो हमें लगा कि वो आपके पास आया होगा। हम चलते हैं। मैं उसे परेशान करती रहती हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले, मंगलसूत्र लेकर आए। इन बातों से परेशान होकर तो नहीं चला गया? आ गया। अरे ये मछली पकड़ने गया था क्या? अरे वाह, कितनी बड़ी मछली पकड़ के लाया तू। हमारे कोली समाज के हिसाब से इतनी बड़ी मछली पकड़ने वाले को दामाद बनाते हैं। ए मोटू, मुझे बताए बिना क्यों चला गया था? तुम्हारे समाज के नियम के अनुसार बड़ी मछली पकड़ने वाले को दामाद बनाना अच्छा होता है। क्यों, अब तो खुश हो ना? ये भी तुम्हारी तरह सुंदर है। अब बताने की जरूरत नहीं है। हमारे समाज के हिसाब से तुम दोनों अपने जीवन का शुरुआत करो। खुश रहो। तो तुम्हारे भाई की बात मान लूं? कौन है तुम लोग? तू कौन है? पुलिस। तुम्हारा नाम क्या है? चंदन शर्मा। तुम एक नाम बता रहे हो, ये दूसरा कुछ थोड़ा गड़बड़ लगता है मुझे। फिल्म में काम करने के लिए अलग नाम रखा है सर। इधर आओ, तुम ये रखो। सर ये मेरा चश्मा है सर। ए, निकल यहाँ से। आलू की तरह शक्ल है, चश्मा पहनेगा। बुला अपने डायरेक्टर को। कैमरामैन सर। ए, ये क्या हो रहा है? कैमरामैन को बुलाया तो लाइट वाला आके खड़ा हो गया। सर यही है हमारे कैमरामैन। ये कौन है? पुलिस। ए ब्रदर, पुलिस, SI, इंस्पेक्टर, MLA, MP, ये सारे कैरेक्टर मिल चुके हैं। फिल्म कंप्लीट हो चुकी है। तुम अगली फिल्म में आना, मैं तुम्हें चांस दूंगा, समझे? अरे अरे क्यों मार रहे हो? क्या हुआ? आखिर तुमने मान लिया ना? क्या तुम सचमुच के पुलिस हो? बेटा पुलिस वाला हूँ, जाके डायरेक्टर को बुलाओ। वो तो जेल में है सर। जेल में? जेल में क्या कर रहा है? कैसे आदमी है? खून करेगा तो जेल ही जाएगा ना, मंदिर में तो कोई ना जाएगा। मारो मत। क्या हुआ था, क्यों मारा था, डिटेल्स में बताना, पूछताछ करनी है। सर नमस्ते सर। वैसे सर ये ड्रेस बहुत मस्त दिख रही है। वैसे सीन क्या है बताओ? सर फिल्म में जो पिताजी है ना, उन्हें रजनी सर ऐसे उठा कर ले जाते हैं। वो तो उठा लिया था ना सर। उसके बड़े पिता बहुत ही मुश्किल में है, तो इसलिए उन्होंने अपने दोनों कंधों पर परिवार का बोझ गधों की तरह उठाया। पिताजी का रोल कौन कर रहा है? अरे वही अपने फाइनेंसर सर। अरे उस गधे को एक्टिंग बैक्टिंग आती है क्या? उसे क्यों दे दिया ये रोल? अरे वो 40,000 रुपए दे रहा है ना। अरे पर उसे डायलॉग बोलना कहाँ आता है? लेकिन उसने परिवार के लिए फर्ज निभाया है और आप उसे अपने हाथों से उठाकर महसूस करेंगे सर। ठीक है चलो उसे उठाओ, एक्टिंग कराओ उससे। पिताजी, आपने अपने परिवार के लिए कुत्ते की तरह मेहनत की और आपकी हालत तो देखो, एक सूखे ककड़ी की तरह पिचक कर चल रहे हो पिताजी। सुनो डायरेक्टर, एक्टिंग करना ये सोचकर 4 पैक एक्स्ट्रा मार कर आए हो, ऑपरेशन तो ओके है ना? ओहो, अच्छा सुनो, इस तरह से उठाना और तुमको बस डायलॉग सुनना है। क्या बात है, सब लोग मेरे पास ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने बहुत अच्छी एक्टिंग किया ना? ए, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? जो आदमी हमारी फिल्म खत्म करने आया था, तुमने उस आदमी को खत्म कर दिया। देने वाले फाइनेंसर को पहाड़ के ऊपर से नीचे गिराकर उस भिखमंगे का पैकअप कर दिया डायरेक्टर ने। नेक्स्ट ईयर फाइनेंसर को मारने के जुर्म में पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया, वो जेल में चला गया। कहाँ है?
कहाँ है बे? चल जल्दी बता। छोटू, मैंने कुछ नहीं किया। अबे इस छोटे बच्चे को क्यों डरा रहे हो? कौन है? अबे पुलिस हूँ मैं। फिल्म का डायरेक्टर कहाँ है ये बता। वो हमारा डायरेक्टर वो आ रहा है। ए, चलो। ए, तुझे बड़े साहब ने अपने घर पे बुलाया है। कौन है तेरा साहब? उसने आकर देखा नहीं क्या? हमारे साहब कौन है तुझे नहीं पता क्या? वो जो गंडा है वही है क्या? बहुत अच्छी बात है तो तुम लोग निकलो, मैं पीछे से आता हूँ। जाओ तुम लोग जाओ। लोगों को भेजो यार, राड़ा हो गया है, जल्दी। आईजी साहब से मेरी अर्जेंट मीटिंग है। अधिराई फिल्म के दो डायरेक्टर हैं, एक अंदर है और एक बाहर है। सर उस फिल्म का डायरेक्टर है ना, वो बहुत ही खतरनाक टेररिस्ट है सर। सर ने उसे चीते की फुर्ती से पकड़ा सर। कौन है वो? वो सब छोड़िए ना सर, 20 फीट की दीवार को एक छलांग में कूदकर भाग गया सर। पुलिस को देखकर भागने वाला वो कोई 420 ही होगा। सभी पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दो और जैसे ही वो मिले मुझे उसकी रिपोर्ट करो। सुनो सीमा। क्या है? मुझे नाश्ता नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। अभी तो 10 इडली खाई आपने। ए, यूनिफॉर्म लाओ, गाड़ी स्टार्ट करो। अरे जल्दी साफ करो यार। कहाँ है वो फिल्म का डायरेक्टर? हाँ मैं ही हूँ वो डायरेक्टर। दांत तोड़ दूँगा मैं। अरे सर, अरे मार क्यों रहे हो? अरे क्या कर रहे हो? कुछ बताओ तो सर, प्लीज मत मारो। नहीं सर, सर प्लीज मत मारो, सर लग रहा है सर। अरे सर पहले बताओ तो क्यों मार रहे हो? जेल से भाग गया था ना। मैं कहाँ भागा था सर? मैं तो आपके घर में पुलिस बंदोबस्त का काम कर रहा हूँ सर। पेपर में झूठ लिखा है क्या? वो मुझे नहीं पता। पेपर दे। हाँ बताइए। ये देख आज ही की न्यूज है, फिल्म डायरेक्टर जेल से फरार हो गया। पेपर में लिखी खबर झूठी है क्या? सर जिसने लिखा है उससे पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैंने बताया ना कि मैं आपके घर में काम कर रहा हूँ। प्लीज सर मत मारो ना, मुझे लग रहा है। कैसे भागा था? कहाँ भागा था पता? ये देखो ऐसे भागा था। कहाँ भाग रहा है? और क्या सर, भागा था कर रहे हो, इसका क्या मतलब है? अरे तू जेल से भाग गया था ये न्यूज देख कर कहीं मेरी नौकरी चली जाएगी ये सोचकर मैं डर गया था। मेरी बात ध्यान से सुन, अभी से लेकर रिहाई तक तू मेरे साथ रहेगा। ठीक है सर, अगर आप चाहते हो तो मैं आपके साथ रहने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है सर, आप अपनी पत्नी के साथ घर में सोएंगे और मैं बाहर सो जाऊंगा। अरे कैमरामैन दादा, बहुत अच्छी फिल्म बनाऊंगा। क्या लिखा है पढ़ो, ये देखो यहाँ पे अधिराधी फिल्म का डायरेक्टर भाग गया। वो सच में भाग गया क्या? सच है क्या सर? पुलिस की कस्टडी से भाग जाएगा ये बिल्कुल गलत न्यूज है। अरे जिस लड़की को ढूंढ रहे थे ये तो वही है। कहाँ गए? पता नहीं, ढूंढो। Darling, I love you.
अरे ये तो बेहोश हो गई। क्यों कहा? तेरी तो मुझे डराएगा। चल भागो। अरे भागो 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 रे। चल भागो भागो। अधिराई फिल्म के डायरेक्टर के बारे में जो भी जानती हो बको। क्या हुआ? अरे इसे क्या हुआ? मुझे ये लोग पसंद नहीं है सर। वही तो मैं सोचूं कि कुछ देर मुझे भी देखकर डर लग रहा था। ए, फूट ले यहाँ से, ये लड़की तुझे देखकर डर रही है। चला जा चला जा चला जा चला जा। वो तो चला गया, आप किसको भूलोगी? अब क्या हुआ परी, अब क्यों रो रही हो, बोलो। इन्हें देखकर भी डर लग रहा है सर। ये लड़की तुम लोगों से भी डर रही है? सुनो, इन्हें भी बाहर भेजू क्या? तुम लोग भी यहाँ से निकलो। की बात समझ जाते हैं। बैठकर बात करते हैं। सारे हसीना के साथ बैठकर बात कर रहे हैं लेकिन पानी नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हो? हसीना से बात करने में साहब का गला सूख जाएगा तो क्या पियेंगे? अभी जो हुआ वो बताना। क्या हुआ परी? आपको देखकर भी डर लग रहा है मुझे सर। आप भी बाहर जाइए ना सर। मैं भी पुलिस स्टेशन से बाहर चला गया तो तुमसे इंक्वायरी कौन करेगा? नॉनसेंस, इडियट, स्टूपिड, बदतमीज, फूल। तुम्हारे बहकावे में मैं आ जाऊंगा यही सोचा था ना? सर सर क्या हुआ? सुनो, हमने जैसा सोचा था ये वैसी नहीं है। तो भी काम चला लीजिए ना। ये बहुत बड़ी क्रिमिनल है, इसके मुंह से आवाज नहीं निकाल पा रहा हूँ। अरे क्या हुआ? ये गन है सर। वो तुम्हारे पास नहीं है। अब मैं सच्चाई उगलवाता हूँ। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें पता नहीं है? मैं कच्चे पपीते से जूस निकाल लेता हूँ। जूस निकालते हो? अरे भाई ये वो भी करती है। जो कुछ हुआ वो तुम खुद बता रही हो या फिर मैं अपने तरीके से उगलवाऊँ, बोलो। बताती हूँ ना सर, मैंने से दूर रहने को कहो पर वो आ रही है सर। जब तुम सब कुछ सच बताओगी तभी ये उस जगह से हटेगा। अब बताओ तुम उससे प्यार क्यों करती हो? वो है ना बहुत अच्छा आदमी है सर। उसे पसंद करने का ना सर एक कारण नहीं है, 100 कारण है। एक दिन है ना मैं मछली बेचकर घर जा रही थी, शराब की दुकान पर हर पीने वालों को पैर पकड़ पकड़ के समझा रहा था कि मत पियो, दारू मत पियो। फिर एक दिन मेरी टोकरी से एक कौवा मेरी मछली लेकर भाग गया। मैं कौवे के पीछे भागते भागते उससे टकरा गई और पहली ही टक्कर में मुझे उससे प्यार हो गया सर। मैं बचपन से ही अकेली रहती हूँ सर। बचपन में मैं अपने माँ और पिताजी के साथ महाबलीपुरम घूमने गई थी और वहाँ मैं खो गई थी। तब से मैं दादा के साथ रह रही हूँ। ये पहलवान मेरे सपने में आया और मुझे 5 किलो सोना दे गया। तब से मैं इसके पीछे पड़ी हूँ सर कि वो एक मंगलसूत्र बनाते और मेरे गले में डाल दे। मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ सर। कितनी कोशिश करती हूँ कि वो मुझसे शादी कर ले। तुम अपनी लव स्टोरी मत सुनाओ। उसने कैसे फिल्म बनाई ये बताओ।